सो हियर वी आर इन मंडी, ये रहा कॉम्प्लेक्स, ध्यान रोड पे, दो दिन रोड पे ना चलो, स्पीड ब्रेकर निकल आते हैं। जब मैं मंडी आया था तो बहुत सारे पुलिस वाले मिले मुझे, जगह जगह पे खड़े हुए, पर रोका तो उन्होंने है नहीं। सो एलविश यादव इज फाइनली इन बिग बॉस, बड़ा इंग्लिश मैन, हियर इज अवर बुलेट। घास ले जाते हुए सिर्फ गांव में ही देखे थे, आज मैं शहर में भी देख रहा हूँ। घास नहीं होगा, कुछ होगा पूजा वगैरह के लिए मे बी। ये बच्चा मुझे ना देखकर बुलेट को देख रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? लगता है बच्चा फैशन लैक करता है, और क्या रीज़न हो सकता है। सो आई हैव पेट्रोल एंड आई शुड गो होम। ज़रा मैं एक व्यू ले लूँ, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है भाई, बहुत ही ज़्यादा। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिस रीज़न से ब्यास नदी तो एकदम पीक पर थी, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था ब्यास नदी में। मैं उस टाइम घर में ही था, क्योंकि उस टाइम घर से निकलना मुश्किल था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। मेरा उससे दो दिन पहले प्लान बन रहा था मनाली जाने का, इसे कह सकते हैं अच्छा हुआ कि मैं नहीं जा पाया। बुरी चीज़ भी हो सकती है, वैसे मनाली में नेटवर्क वगैरह सब कुछ ही जाम था, कॉल नहीं हो रही थी किसी को। मैं जाता तो मैं भी फंस सकता था। मेरा मनाली जाने का प्लान ऐसे ही कैंसिल हो गया फालतू में, कोई बड़ा रीज़न था नहीं, पर हो सकता है अच्छे के लिए हुआ हो। क्या पता मेरी बाइक बह जाती, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो हम इसे अच्छा मान के चलेंगे कि हम नहीं जा पाए मनाली, हम बोले तो मैं और मेरी धन्य हूँ। मेरे को लगा था जिस हिसाब से बारिश हुई उस हिसाब से रोड वगैरह बंद होंगे, पर रोड तो सही सलामत ही है, पर मनाली में काफ़ी ज़्यादा हुआ बारिश का प्रभाव। एक साइड लोगों की रीलें रुक रही है कि जब सावन मेरे महादेव को भगाता है उस टाइप की, इसकी नेगेटिव साइड ये है कि बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ गंवा दी, बसें गई। अब एक बंदा मेहनत करके अपनी गाड़ी ले रहा है और उसकी गाड़ी ऐसी पानी में बह जाए तो फिर क्या ही बोले वो बॉय। जब मैं रूम से निकला तब मेरे पास 3 सेल्स थे, अब फिर मुझे 2 सेल्स दिखाने लगा और मुझे 1 ही सेल दिखा रहा है। ये तो चीटिंग नहीं हुई? मैंने इस चक्कर में पेट्रोल भी नहीं भराया। ये होते फ़ायदे स्पोर्ट्स बाइक लेने के और पहाड़ी इलाकों में चलाने के। अभी तो फ़िलहाल मैं आराम से चल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आज बहुत सी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है जो काफ़ी स्पीड में क्रॉस हो रही है, हो सकता है मेन अलग रोड से आई हो। इन भाई साहब को भी थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को कम लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है ऐसे रोडों पे, सब का टर्न बाहर जा रहा है। देखो मैंने इसी से अंदाज़ा लगाया कि इनके टर्न बाहर जा रहे हैं, तो मे बी ये शायद दूसरे रूट से आए हो। और ये भाई जब भी प्लेन दिखता है खींच देता है गाड़ी, और मेरे को पास लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। और आगे से गाड़ियाँ भी काफ़ी आ रही है, देखो कितनी सारी आ रही है गाड़ियाँ। वो बच्चे गया शीशा बाल, देखो वो बाबा ट्रैफिक, अभी भी गाड़ियाँ आ ही रही है। वो काफ़ी अच्छी सी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। आखिरकार मैंने अपनी जान पे खेल के पास ले ही लिया। काफ़ी बाइकें रुकी हुई है और बंदे उधर पहाड़ पे मज़े कर रहे हैं। फ्यूरी बाबा निक फ्यूरी आ गए। ये टाइम मेरा बेस्ट टाइम है वैसे घर जाने का, हाइपर राइड भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ कम मिलती हैं। अब की बार तो भाई बहुत ज़्यादा मिल रही है गाड़ियाँ। NS 125, मूड ही ख़राब हो गया, मेरे को कब तक इनके पीछे चलना पड़ेगा। अरे भाई मोड़ आगे, अब भाई क्या इंडिकेटर देके आगे बम्प है बहुत बड़ा।
आगे मूड है, आगे कुछ यू नो कुछ कह नहीं सकते। और ऊपर से बम्प सोने पे सुहागा। ओके, और आगे है ऑफ रोड, तो फिर से मैं पीछे रुक जाता हूँ। यप, दैट्स व्हाट आई वांट। मेरे को सेफ ही चलना चाहिए, छोड़ो बोरे। काफ़ी दिनों से टाइमली वीडियो नहीं डाली मैंने, क्योंकि मैं बिजी था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो डालने का, कि वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आते। इतना टाइम हो गया मेरे को वीडियोस डालते डालते और अभी तक मैं फेमस ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे? तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशन लैक कर रहा था, तो मैंने वीडियो एडिट ही नहीं करी ना मैंने डाली। एक हफ्ते का गैप पड़ गया था मुझे, कब जैसे कोई गाड़ी वाला उड़ा के ले जाए। और अब मैं पहुंच चुका हूं मंडी से पहाड़ों की ऊंचाई पे, जहां पे भी धूप बरकरार है। शिट, मैं अपनी वॉच मंडी में भूल गया। शिट, डैम इट, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल दी मैंने। हेयर कम्स लीन, ज़्यादा लीन एंगल हो गया, मेरे को मिट्टी भी देख लेनी चाहिए थी कि मिट्टी है। अगेन सो मैनी व्हीकल्स, वरा थोड़े लेनो चलो क्या। ये तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है कसम से, फ्रस्ट्रेशन का असर है, फ्रस्ट्रेशन का। और एट हो चलो, अपनी लेन में मत चलो, और नीचे और नीचे और नीचे, लिटरली मेरे पास आ जाओ मेरे पास। और सामने से चार बस है आ रही होगी ना इस रोड की, तब भी इतना डर नहीं लगता जितनी सामने से एक ऑल्टो पे लगता है इस टाइम, जो लोग चले हुए हैं उनसे। सामने देख लो, सामने ब्यूटी बाद में नहीं आ रहा ना, या तो रोक के नहीं आ रही लो, हुआ ब्यूटी तो अच्छी आ रही है। और मैं इतनी स्पीड में क्यों चलाऊं, नॉर्मल है यार, इतनी स्पीड में कहाँ है, 70 तो है। अब मैं क्लच पकड़ता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचूँगा, मैं तो मार्केट तक भी नहीं पहुँच पाऊँगा। लेट्स बोरो सम स्नैक्स। Just take a clear view and then again horn and see the straight. Give the first one horn and he didn't give me indicator. How should I supposed to go? इस टाइम ऐसा हो रहा है जैसे पेड़ों से सूरज की फ्लैश आ रही है, सूरज की लाइट आ रही है और पेड़ों से फिल्टर कर रहे हैं, पर एक फ्लैश की तरह, जैसे हर सेकंड में जैसे मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, लाइट्स मेरी आंखों में पड़ रही है एकदम ब्लिंक होते होते। ओह कम ऑन, आई कांट सी एनीथिंग। ऐसा लग रहा कोई मेरी आंखों में टॉर्च मार रहा है और बार बार फ्लिकर कर रहा है उसे। तो वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।